सीधा गाली, भद्दी भद्दी गाली देने से बात करने लगा। हम प्रिंस खान के यहाँ से बोल रहे हैं, आ रहे हैं अभी, हम तुम्हारा घर में बम पटकेंगे, गोली मारेंगे। माय नेम केस किया है धर्म किया, दोनों के बीच में प्रारंभिक जांच में आ रही है कि विवाद। नमस्कार, स्वागत है IDD मीडिया पर। प्रिंस खान, जयराम की दुनिया का यह नाम तो आपने सुना ही होगा। धनबाद में अपराध का किंग कहे जाने वाला प्रिंस खान के नाम पर चीराचास के जमीन कारोबारी सुनील महतो को गत दिनों रात के 11 बजे एक अनजान नंबर से गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला शख्स अपने आप को प्रिंस खान का आदमी बताते हुए जमीन कारोबारी सुनील महतो को जान से मारने की धमकी देता है और फिर फोन कट जाता है। इस घटना के करीब 20 मिनट बाद जमीन कारोबारी के पहचान वाले धर्मेंद्र राय का भी फोन आता है। वो जमीन से जुड़े मुद्दे की बात करते करते हुए प्रिंस खान की इंडिकेट की बात करता है। अगले दिन जब सुनील महतो अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग उनका पीछा करते हुए उनके नज़दीक पहुंचते हैं और 50 लाख रंगदारी की मांग करते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो जाते हैं। इस घटना से सहमे सुनील महतो ने चीराचास ओपी में अपने लिखित शिकायत में धर्मेंद्र राय को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने अनुसंधान को तेज कर दिया है। वस्तुतः प्रिंस खान की आपराधिक गतिविधि बोकारो जिले में न के बराबर है। ऐसे में पुलिस इस बात की जांच में भी जुटी है कि क्या सचमुच प्रिंस खान बोकारो को अपना ठिकाना बनाना चाहता है या फिर कोई और आपराधिक गिरोह प्रिंस खान का नाम लेकर अपना वर्चस्व बनाने के फिराक में है। यह तो पुलिसिया जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ये 5 तारीख को रात को घटना है। करीब 11:41 पर हमको अननोन नंबर से फ़ोन आया और सीधे पूरा सुनील महतो बोल रहा है। सुनील महतो बोल रहा है, बोला हाँ जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? और सीधा गाली, भद्दी भद्दी गाली देने से बात करने लगा। हम उसको पूछते रह गए, क्या कौन है, क्या है, बताओ। आगे बोलने लगा, हम प्रिंस खान के यहाँ से बोल रहे हैं, आ रहे हैं अभी, हम तुम्हारा घर में बम पटकेंगे, गोली मारेंगे तुमको, इसी तरह धमकाने लगा। फिर हम फोन काट दिए। इसके जस्ट 20 मिनट बाद एक धर्मेंद्र राय है गंधा जोड़ का, उससे मुझे करीब, हम जान पहचान है किंतु 1 साल से हम करीब करीब हम उससे बातचीत नहीं करते हैं, किसी कारण ऐसे कुछ हुआ नहीं है। फिर एकाएक रात 12:01 में हमारा फोन पर फोन आया। दूसरे नंबर मोबाइल नंबर में भी वो फ़ोन कर रहा था, वो मोबाइल दूसरे रूम में था तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाए। 2-5 मिनट पहले किए होंगे उसमें। फिर हम उसमें इस नंबर पर जब फ़ोन किया तो जमीन संबंधी बात करने लगा। जमीन बात करते करते उसने कहा कि दादा, आज हमारा देखिए इतना अच्छा सिंडिकेट है कि लोहा से कारोबारी, कोयला कारोबारी जो भी है उसमें से मेरा प्रिंस खान के साथ अच्छा मेरा टाइप है। फिर हम बोले, तभी लोग दोनों आदमी एक साथ बैठा। फिर हम उसको बोले, तुम लोग एक साथ बैठा है क्या? एक आदमी हमको अभी फ़ोन किया, हमको गाली गलौज कर रहा है। नहीं, हमारा साथ नहीं बैठा है। हमको लगा कि वही बैठा है, एकदम हमको शक है पूरा कि लोग बैठ के साथ ही बैठ के, नहीं तो एक साथ फ़ोन नहीं आता। फिर रात को हम पुलिस को भी फ़ोन किए। फिर पुलिस बोला, ठीक है अभी यदि जरूरत पड़ेगा तो हम आ जाएंगे, धमकी दे रहा तो मार देंगे जान से तुमको, बहुत तुम उड़ रहा है, बहुत तरह का इस तरह का, बहुत इंग्लिश ये हो रहा है, मतलब लन फन बहुत भद्दी भद्दी गाली। डिमांड रात को नहीं किया था, बोला तुमको समझाएंगे, है ना, इस तरह बोला। तो फिर दूसरे दिन हम बोले, चलिए मामला शांत है, ये सब कुछ पीखा के किया होगा, हम उतना माइंड नहीं लिए। दूसरे दिन सवेरे हम घर से ऑफिस आ रहे थे, मेरे साथ 2 लड़का था मेरा घर का, वो लाने के लिए जाता है कभी कभी हमको, मेरा भैया है वो, और यदि मेरा साथ रहता है वो लोग साथ आ रहे थे। आ रहे थे तो ठीक, उसे पीछा करके 3 मोटरसाइकिल था, करीब 6 लड़का था, लोग जोर से चिल्लाया, बोला सुनील महतो को तो मार देंगे, 50 लाख रुपये नहीं पहुंचाएगा तो समझा तू मार देंगे। फिर हम लोग गाड़ी मोड़ने का कोशिश कर, बोले कौन है देखते हैं, तब तक तो लोग भाग गया। तो सुनील महतो के द्वारा प्राथमिकी आवेदन देकर FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें बाय नेम है धर्मेंद्र के नाम से व्यक्ति है, उस पर किया गया कि शंका भी व्यक्त की गई है जमीन विवाद के मामले में। तो अभी हम लोग उसका टेक्निकल इनपुट्स ले रहे हैं, डिजिटल साक्ष्य के आधार पर अभी तक कर रहे हैं। ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि प्रिंस खान के ऑफिस से बोल रहे हैं हम। जब तक वेरीफाई नहीं हुआ, हम लोग टेक्निकल सहायता भी ले रहे हैं, कॉल का CDR भी ले रहे हैं, और उसके आधार पर तभी आइडेंटिफाई करके ही हम कुछ बता पाएंगे। आवेदन में प्रिंस खान का नाम लिया गया है,
उनका नाम से जिक्र किया गया है, लेकिन इन्होंने बाय नेम केस किया है धर्मेंद्र। कौन है धर्मेंद्र? कुछ गंदा जोड़ के रखा। क्या पूर्व से विवाद भी था कुछ? दोनों के बीच में अभी प्रारंभिक जांच में आ रही है कि विवाद था। बोकारो की तमाम सूचनाओं के लिए बने रहें IDD मीडिया के साथ। नमस्कार।